क्या देख रही हो? अपनी दुनिया। तो फिर आंखों में ये उदासी क्यों? उदासी नहीं, नाराजगी है। किससे? मुझसे वो गलती हो गई? आपसे नहीं, इनसे। इम्पॉसिबल। मिसेस कविता रायजादा अपने बड़े बेटे अंतरिक्ष से नाराज हो जाए? देखा, झूठ पकड़ा गया तुम्हारा। तुम अपने लाडले से नाराज हुई कह सकती हो? हाँ, शायद उदास ही हूं। हाँ, जन्माष्टमी है और अंतरिक्ष का जन्मदिन भी है। जब से पैदा हुआ है ये उसका पहला जन्मदिन है जब वो मेरे पास नहीं है। खुद को बहुत अधूरा महसूस कर रही हो ना? अंतरिक्ष तुम्हारी दुनिया का एक अहम हिस्सा जो है। अहम नहीं, मेरी पूरी दुनिया है मेरा अंतरिक्ष। और ध्रुव और तारा भी अंतरिक्ष के साथ हमारी दुनिया में चमकते हैं। शायद अभी अभी यहाँ मेरा नाम लिया जा रहा था। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ध्रुव का बेटे अभी तक सो रहा है क्या? ध्रुव, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्रुव जैसा बेटा और भाई बड़े ही किस्मत वालों को मिलता है। हर साल अपने भाई का जन्मदिन कितनी लगन और श्रद्धा से मनाता है। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। स्वयं के लिए आज तक मैंने भगवान के सामने कुछ भी मांगते हुए नहीं देखा। पर क्या इसके घर से और लोग इस पूजा में नहीं आते? इस पूजा के बारे में शायद उसके घर वालों को पता भी ना। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु, त्वं रुद्रः, त्वं इन्द्रः, त्वं अग्निः, त्वं वायुः, त्वं सूर्यः, त्वं चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्मा। हे भगवान, अंतरिक्ष भैया को दुनिया का हर सुख और खुशी देना, क्योंकि अंतरिक्ष भैया की खुशियों में ही माँ अपना सुख और खुशियां ढूंढती है, और माँ को खुश देखकर मुझे सुख मिलता है। राजन, हाँ भेज दीजिए प्लीज जल्दी। हाँ दीदी। वो मिठाई के सैंपल्स आने वाले थे, क्या हुए? दीदी आ गए, आप टेस्ट तो कीजिए चल के। और तितली कहाँ है? तितली मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। तितली उड़ना तो आसमान में चाहती हूँ, पर देखो ना अभी भी यही हूँ। बोलिए दीदी, मैंने सुना अभी अभी आप बड़ा जबरदस्त मुझे याद कर रही थी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि परसों शाम जब पंडित जी आए थे तो उन्होंने एक सामान की लिस्ट दी थी। हाँ, दे गए थे ना,
मुझे अच्छी तरह से याद है पंडित जी उस दरवाजे से यहाँ आए, यहाँ सोफे पर चौकड़ी मारकर बैठे, फिर ये लंबी सी लिस्ट उन्होंने लिखी, फिर वो लिस्ट आपके हाथ में दे दी, आपने वो लिस्ट अपने डियर ब्रदर के हाथ में दे दी, आपके डियर ब्रदर जो मेरे डियर हस्बैंड लगते मेरे हाथ में लिस्ट संभाल कर कहते जाओ ये सारा सामान आ जाना चाहिए। तो मैंने सोचा लिस्ट संभाल कर रख देती हूँ, तो अलमारी में जाकर नीचे वाली दराज, नहीं नहीं ऊपर वाली दराज में मैंने संभाल कर रख दी। तितली कंट्रोल, अब जाओ और जाके वो लिस्ट लेकर आओ अलमारी से। हाँ है, अभी तो वो लिस्ट अलमारी में है ही नहीं। तो कहाँ गई? कहाँ गई क्या, ये है ना लिस्ट मेरे हाथ में। हाय दीदी, ये लो लिस्ट, जाके सामान मिलाओ। तितली पता है कितना बिजी बिजी डे है आज। जन्माष्टमी इस घर में हमेशा ऐसे क्यों मनाई जाती है जैसे इस घर में कोई शादी हो? भगवान कृष्ण की कृपा है, आज के दिन दीदी के शादी टूटने से बची थी। 7 साल के बाद अंतरिक्ष का जन्म हुआ था इस घर में, वरना जीजा जी अपने घर वालों के प्रेशर में आके दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही बैठे थे। तुम्हारे जीजा जी की ना कभी भी इस घर में चलती नहीं थी। अरे आज भी कहाँ चलती है उनकी। राजा साहब क्या बातें हो रही है, किसकी नहीं चलती? अरे ये कह रहे थे आपकी इस घर में बिल्कुल भी नहीं चलती। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अरे बेटा ध्रुव, बेटे तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए? जॉगिंग शॉगिंग है, हेल्थ इज वेल्थ नहीं, स्कूल में। चलिए चलिए बता ना घर में कितने काम है आज। पूजा की थाली, हाँ पूजा जैकेट भी निकालना, समझी ना। ध्रुव भैया मैं सोच रही हूँ कि आज मैं घर में सबको बता ही दूँ कि सुबह सुबह ध्रुव भैया उठकर मंदिर क्यों गए थे। अंतरिक्ष भैया, तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? नहीं, पर उसमें मेरी क्या गलती है? देखिए बातें इतनी सारी होती है और पेट इतना छोटा, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना मैं आरती के बारे में भी सब। साइलेंस प्लीज। ओके ये लीजिए ना प्रसाद। अच्छा इसमें से? हाँ हाँ मुझे पता है कि ये मम्मी को खिलाना है, खिला दूंगी। ये वाली नहीं भाई, कैसी मिठाई ले आए राजन, कोई स्वाद ही नहीं है। मम्मी आप ये वाली मिठाई चेक कर देखिए। इसे कहते हैं मिठाई। अच्छा। मुझे तो ये बहुत पसंद आई भाई। इस मिठाई का स्वाद तो अलग होगा ही, इसमें ध्रुव भैया का प्यार जो मिला हुआ है। क्या बात है, आज आरती की थाली भी दिल से नहीं सजा रही हो। क्या करूं, हर साल की तरह आज भी बाल गोपाल हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं आया और फोन भी नहीं किया उसने। ठीक है कोई बात नहीं, उससे मेरी याद नहीं आती तो मैं भी उसको याद नहीं करूंगी। अरे ये तो अंतरिक्ष ही फोन है, तुम्हें तो बात नहीं करनी। लाई है ना? कह दे तू। लाई है ना? हेलो अंतरिक्ष, आई कांट हियर यू। अब वक्त मिला है अपनी माँ से बात करने का, जाओ मुझे बात नहीं करनी। अच्छा अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी थी तो आप यूँ भागते भागते दरवाजे तक क्यों आए? हाँ अपनी माँ की कमजोरी का फायदा उठाता है, तू जानता है ना हाउ मच आई मिस यू। पर तुझे क्या, तुझे मेरी याद थोड़ी आती है। हाँ वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है, मुझे माँ की बिल्कुल भी याद नहीं आती, लेकिन एक बात है, जब आपने लाल रंग की साड़ी पहन रखी हो और आपका चेहरा भी गुस्से से लाल हो रहा हो तो आप बहुत खूबसूरत लगती हो। तुझे कैसे पता कि मैंने लाल रंग? Oh,
आ गई तुम, आज भी हमेशा की तरह लेट। क्यों, तुम मुझे मेरी आहट से ही पहचान लेते हो? जरा सा भी तंग करने का मौका नहीं देते। अच्छा जी, अगर तुम्हारे ऐसे इरादे ना तो तुम देखना, कोई और ढूंढूंगा। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझ जैसी पागल कोई नहीं मिलेगी। थैंक गॉड, तुमने ये तो माना कि तुम पागल हो। हाँ पागल तो हो, लेकिन तुम्हारे प्यार में। मेरी किस्मत में पागल का साथ लिखा है? मतलब तुमने मान लिया कि तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो? ओह गॉड, एक लॉयर को कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, हर बात के 100 मतलब निकाल लेती है। अच्छा तो अब तुम्हें बताती हूँ मेरा मतलब, तुम चलो। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कविता, हमें भी मौका दो ना तुम्हें मुबारकबाद देने का। मैं समझी नहीं, तुम अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करवा देती? मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है, उमा अग्रवाल की बेटी। उमा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। That would be wonderful, Pamela. देखो ना, आज अंतरिक्ष का जन्मदिन है, पूरे 26 साल का हो गया है, अब तो उसकी शादी करनी ही है। अंतरिक्ष की शादी? कविता मैं अंतरिक्ष की बात नहीं कर रही थी, मैं तो तुम्हारे छोटे बेटे ध्रुव की बात कर रही थी। थैंक यू फॉर योर कंसर्न पैमेला, लेकिन अंतरिक्ष की शादी से पहले हम ध्रुव की शादी नहीं करेंगे। क्या हुआ, क्या कह रही थी इस कविता? तरस आता है मुझे इस पे। अरे इतना अच्छा रिश्ता सजेस्ट किया इनके छोटे बेटे के लिए, लेकिन ये है, कहती है बड़े बेटे की शादी के पहले अपने छोटे बेटे की शादी नहीं करेंगी। अब माँ है ना, अपने बेटे का अपाहिजपन शायद नजर नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ कौन करेगा इस आधे अधूरे से शादी, कौन करेगा इस आधे अधूरे से शादी, कौन करेगा इस आधे अधूरे से शादी? कौन करेगा? I'm sorry. Oh my God! Are you okay, बेटा? बहुत दर्द हो रहा है। अगर ठीक से अपने पैरों पे खड़े नहीं होना आता है तो ये डांस तो रहने देना चाहिए ना। अरे दो दिन बाद इसकी सगाई है, अपने जैसे लंगड़ी बनाना है क्या इसको? प्लीज मिसेस सिंघानिया, आप इस घर की मेहमान हैं, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना 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 क्या कर लेंगी आप मिसेस रायजादा? अरे अपाहिज बेटे की शादी कराने के सपने देख रही हैं आप, वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। मेरी राय मानी है, इसकी शादी करवाने के बजाय इसे बैसाखी ला दीजिए। बस 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 मिस सिंघानिया, बस। सलाह देने का शुक्रिया, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी औलाद के बारे में एक भी उल्टा सीधा शब्द सुनना गवारा नहीं करती। और आज तो आपने कुछ ज्यादा ही चुभने वाली बातें कह डाली। मुझे अपने अपाहिज बेटे की शादी का सपना देखने का हक नहीं है? अपाहिज ये नहीं है मिसेस सिंघानिया, अपाहिज है आपकी सोच, जिसने आज इस माँ की सपनों पर, उसकी उम्मीदों पर वार किया है। मैं फिर भी आपकी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज सबके सामने आपकी वजह से मैं एक वादा करती हूं कि मैं अपने बेटे अंतरिक्ष के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को दुल्हन बनाकर लाऊंगी। मैं आपको अपने बेटे की सगाई और शादी का न्योता अभी देती हूं।
याद रखिएगा इस मोती को, आई ही कसर, आई ही कसर।